चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? क्लास 12th का समाकलन चैप्टर है, चैप्टर 7, उसका एक्सरसाइज 7.1 का जो दो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा क्वेश्चन इधर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स प्लस में है 1/√x, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको शॉर्ट में करना है। यहाँ पर देखिए समाकलन करना है इसका, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना, एक्स की पावर -1/2। अब इसका समाकलन आपको करना याद है, कैसे करते हैं अपन, इसका सूत्र क्या होता है, समाकलन x की पावर n का जो समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये और प्लस में c लगा दो। तो यहाँ पर जो n है वो यहाँ पर 1/2 है और जो यहाँ पर है वो -1/2 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा इस राह पर आकर तो देखो। यहां पर देखो क्या देखना है, अब अपन करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में करेंगे 1, क्यों, क्योंकि n प्लस 1, इसके बाद 1/2 प्लस में 1, क्यों, क्योंकि यहां पर सूत्र लगाया है, सिर्फ सूत्र में मान रखा है, ध्यान यहां पर होना चाहिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक्स की पावर -1/2 है तो यहां पर कर देंगे माइनस, अपने को जोड़ना है प्लस 1 तो अपन कर सकते हैं 1 -1/2, नीचे भी 1 -1/2 जोड़ना ही है अपने को, तो आगे लिखो या पीछे लिखो जुड़ेगा वो, तो अब जोड़ना है लेकिन यहां पर माइनस का था 1/2 तो अब घटेगा, यहां पर घटेगा माइनस होगा, देख सकते हो आप। तो यहां पर आप अब देखिए जोड़ना है तो अपन क्या कर देंगे, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में भी होगा यही, लेकिन अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं 2/3, तो ये अपना हो गया। अब यहां पर देखिए एक्स की पावर 2, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, और यहां पर भी इसको उल्टा कर दो तो 2/1, तो 1/1 में लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए ऐसा ही लिख देते हैं अपन, और प्लस में सी, ये इसका आंसर है। धीरे धीरे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि मजा आया कि नहीं आया।